एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान था और हमेशा चिंतित रहता था कि उसका क्या होगा और आगे उसका क्या होने वाला है। एक दिन भगवान उस व्यक्ति के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी आधी जिंदगी गरीबी में और आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी। अब तुम चुनो, पहले कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, गरीबी या अमीरी। यह सुनकर वह व्यक्ति और चिंतित हो गया और तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर सलाह लेने का निर्णय किया। वह दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। पत्नी ने गहरे विचार में डूबते हुए कई देर तक सोचा, फिर वह बोली कि तू क्या कहता है कि प्रिय, पहले गरीबी की जिंदगी मांग लेते हैं, क्योंकि पहले भी हम गरीब थे, अभी भी हम गरीब हैं, तो गरीबी की जिंदगी जीना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले अमीरी मांग ली तो उस ऐसो आराम की जिंदगी जीने के बाद फिर गरीबी की जिंदगी नहीं जी जाएगी। पति की बातें सुनने के बाद पत्नी ने धीरे से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोल पड़ी कि तुम जाओ और पहले अमीरी की जिंदगी मांगो। पति बोला, एक बार फिर से सोच लो कि एक बार अमीरी की जिंदगी जीने के बाद फिर से गरीबी की जिंदगी जीना बहुत कठिन होगा। पत्नी ने फिर से कहा कि मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है, तुम जाओ और पहले प्रभु से अमीरी की जिंदगी मांगो। फिर क्या था, अपनी पत्नी की बातें सुनकर पति चल पड़ा अब प्रभु से पहले अमीरी की जिंदगी मांगने। प्रभु के पास पहुंचकर उसने प्रभु से कहा, प्रभु पहले मुझे अमीरी की जिंदगी दे दीजिए। और प्रभु ने तथास्तु कहा। वह व्यक्ति अपने घर लौट कर आया और देखा कि छोटे से घर की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। प्रभु के आशीर्वाद से अब गरीबी ने उसका दामन छोड़ दिया था और वो अमीर हो चुका था। अब दोनों पति पत्नी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर थे, ऐशो आराम की सारी चीजें थीं। तभी अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, तुमने पहले अमीरी की जिंदगी मांगी क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा, लेकिन तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। मैंने पहले अमीरी ही क्यों चुनी, गरीबी क्यों नहीं। अरे हाँ, यह बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। अच्छा तो बताओ, तुमने पहले अमीरी क्यों चुनी। तो सुनो, पहले मैंने अमीरी इसलिए मांगी क्योंकि जब हम अमीर होंगे तब हम दूसरों की मदद कर सकेंगे, लोगों का भला कर सकेंगे और अपना जीवन संवार सकेंगे। जब बाद में गरीबी आएगी तब भी लोग हमारे किए गए अच्छे कर्मों को याद रखेंगे और शायद हमारी मदद भी करेंगे। और तुम मेरी एक बात याद रखना कि जो कुछ भी तुम खुद के लिए करना, साथ साथ एक गरीब के लिए भी करना। तुम अपने लिए जो कुछ खरीदना, साथ में एक गरीब के लिए भी खरीदना। उस दिन से वह व्यक्ति ऐसा ही करने लगा, जो कुछ भी वो खुद के लिए करता साथ ही साथ एक गरीब के लिए भी करता। बाजार जाकर जब भी वो खुद के लिए कपड़े खरीदता, एक जोड़ी एक्स्ट्रा लेता और किसी गरीब को दे देता। खुद के लिए जो भी भोजन बनवाता उसमें से कुछ भोजन गरीबों को खिलाता। लेकिन वो अपनी पत्नी के कहे मुताबिक कभी इन कामों को नहीं भूलता। वो कुछ भी करता उसके साथ साथ गरीबों के लिए भी करता। और ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए। फिर अचानक एक रात भगवान ने उसे दर्शन दिए और वो भगवान को देखते ही समझ गया कि अब उसके अमीरी के दिन खत्म हो गए। उसने अपने इतने अच्छे दिनों के लिए प्रभु का धन्यवाद किया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम क्या समझते हो कि क्या तुम्हारी अमीरी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। लेकिन प्रभु की बातें सुनकर वो हाथ जोड़कर और सर झुकाकर खड़ा रहा। तू अगर ये समझ रहा है कि तेरी अमीरी के दिन आज खत्म हो जाएंगे तो तू गलत है, क्योंकि तेरी अमीरी के दिन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। फिर भी तू आज अमीर है और तेरा वक्त अच्छा है। तो यह सब तेरे अमीरी के दौरान किए गए अच्छे कर्म और पुण्य कर्मों का फल है। और इतना कहकर वह प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। निष्कर्ष, कहानी यह सिखाती है कि जीवन में जो भी स्थिति हो, अमीरी हो या गरीबी, समझदारी, धैर्य और परोपकार का महत्व सबसे अधिक है। सही समय पर सही निर्णय लेना और दूसरों की मदद करना
न केवल आपके जीवन को संवारता है बल्कि यह आपके आने वाले भविष्य को भी उज्जवल बनाता है।